गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली लास्ट वीडियो का पार्ट टू वीडियो है समझ लो। तो सीन ऐसा है कि दिन वही है, वो वीडियो मैंने सुबह शूट किया था। अब मैं कुछ काम से टाउन जा रहा था तो मैंने बोला अब मौका भी है दस्तूर भी है तो चलो कुछ वीडियो बनता है तो बना लेते हैं। एक्चुअली मुझे टाउन में कुछ काम है और वो काम ख़त्म करने के बाद मुझे जाना है बोरा बाज़ार। वहाँ से मुझे मेरे कैमरे के लिए लेना है माइक, क्योंकि जो मेरे पास मैंने एक्चुअली पहले दो माइक लिया था तो एक माइक ख़राब हो गया, अभी दूसरा जो है वो हेलमेट में लगा हुआ है मेरे। बैकअप के लिए मुझे एक माइक और चाहिए था और मेरे फ्रेंड को भी एक माइक चाहिए था सेम, तो सोचा उसके लिए भी ले लेता हूँ। उधर जा रहा हूँ तो ये ब्रिज भी काफ़ी सही है, तब यहाँ से व्यू देखो, बिल्डिंग्स देखो यार, यहाँ आते हैं मतलब ऐसा ब्रिज, मतलब ऐसा रास्ता जहाँ से जब गुजरे तो यार सामने ऐसे बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत, तो ऐसा रास्ते पे जाने बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके जब हम राइड पे जाते हैं और ऐसी जगह राइड करने भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे मतलब आप जा रहे हो रास्ते में और आसपास में पहाड़ हो और बहुत सारी ग्रीनरी हो तो राइड करने मज़ा आता है। सिर्फ रास्ता रास्ता हो तो इतना मज़ा नहीं आता है, वैसे सब रास्ते पे ज़्यादा मज़ा आता है राइड करने का। ओके सो गाइस ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज ना हम जैसे जो लोग हैं जिन्हें रास्ता देखने में बहुत मतलब समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं इस रूट पे हमेशा जाता था इस ब्रिज से होके जाता था, लेकिन हाल ही में ये ब्रिज ने मुझे इतना परेशान किया है, ये ब्रिज बंद हो गया है। मैं अपना खुद का जजमेंट लेके राइड मारा और फिर यहाँ वहाँ पहुँच के कहीं और पहुँच गया, फिर मुझे मैप देखा तो पता चला कि मुझे लेफ़्ट से जाना था। मैंने ऐसे ही भटकते भटकते मैं बोला खुद ही अंदाज़ा मार के देखता हूँ कहाँ निकलता हूँ, तो काफ़ी अच्छे रूट पे निकला था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वो अभी यहाँ से अगर मैं ब्रिज से राइट मारता हूँ, एक्चुअली आप मैप देखोगे तो आपको बताएगा कि लेफ़्ट मारना है, लेकिन अगर आप एक मिनट भाई रुक जा तेरी तो उतरिया, तो अगर आप मैप देखोगे तो आपको बताएगा कि लेफ़्ट मार के जाना है, लेकिन वो रास्ता बहुत बकवास है और बहुत ट्रैफिक होती है वहाँ पर, और राइट मार के मैं तो ऐसे ही निकल गया था। और वो जगह भाई बहुत सही है, खाली भी होती है और ऐसी जगह से निकलेगा ना वो व्यू देखो, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट वो व्यू दिखाऊं। रास्ता खुला है, अरे बाबा काय झोले इकड़े, अरे यार राइट जाना था नहीं जाता हूँ, जाने दो छोड़ो कैंसिल, रास्ता खुल गया फाइनली भाई रास्ता खुल गया है, क्या बात है, चलो अच्छा है, टाइम काफ़ी बच गया, बस वो नज़ारा मिस हो गया, तो सॉरी गाइस नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस सो अगर आप वहाँ से ब्रिज से राइट लेते ना जो मैं ब्रिज आपको बता रहा था, तो वो ब्रिज आपको यहाँ से निकलता, सिग्नल है क्या, नहीं अपना तो नहीं है, खुला है, तो ये जो रास्ता है ना वो साइड वहाँ से निकलता, और वो जब रास्ते पे आप राइट टर्न लोगे ना तो ये पूरा बीच का व्यू आता है वहाँ से, बहुत सही दिखता है। ओके सो अपने मोबाइल होल्डर का टेस्टिंग चालू है, तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का लोकेशन डाल दिया है मैंने, अब देखते हैं। ओ वैसे ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है, तो होपफुली कुछ मतलब चल तो जाएगा लेकिन ज़्यादा टाइम चलना चाहिए। वैसे तो यार जहाँ पर मैंने माउंट किया है ना वो, अरे गूगल माता बोलने दो मुझे, हाँ तो जहाँ पे मैंने माउंट किया है, एक मिनट भाई बड़ी गाड़ी है, हाँ तो जहाँ पे मैंने माउंट किया है वो माउंट एकदम सेक्सी जगह माउंट किया है यार, मतलब जब बाइक चलाते हैं ना तो फोर्सफुली नहीं देखना पड़ता, मतलब ऐसा मुंडी झुका के नहीं देखना पड़ता है एकदम। ये लोग भी ना, मेरे को लगा वॉचमैन है, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी का लास्ट
ओके सो ये जो गली टाइप है यहाँ से सेकेंड फ्लोर पे है बैक जोन और राइट साइड में रिलायबल फ़ोटो। तो मैं कभी रिलायबल फ़ोटो तो नहीं गया हूँ लेकिन सुना है काफ़ी अच्छा है वो भी। तो मैं कशिश फ़ोटो विजन वहाँ गया हूँ और बैक जोन गया हूँ। ये दोनों ही मुझे अब तक तो मैं इन दोनों के पास ही विज़िट किया हूँ तो दोनों सही लगे मुझे। तो गाइस पहुँच गए हैं हम मरीन लाइंस और तुम्हारे भाई का कट गया है चलान 200 रुपया। यार पहली बार मेरे को फाइन पड़ा है और मेरी बाइक का फ़ोटो नेट पे गया है, मतलब वो चलान वाली साइट पर। यार पेट्रोल पंप ढूंढते ढूंढते मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया, वो वन वे था और रॉन्ग साइड आने का फाइन पड़ गया। लेकिन यार एक चीज़ मानना पड़ेगा मुझे, मतलब यहाँ के पुलिस वाले और जो लोकल जगह के पुलिस वाले होते हैं यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ का पुलिस वाला भाई क्या बात कर रहा था वो, मतलब कितने अच्छे से बात कर रहा था। मतलब भाई सर आपने ऐसा किया है तो सर आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, ये वो सॉरी सर वगैरह वगैरह क्या 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 बोल रहा था हमारे यहाँ। तो गाइस प्लान में ये भी चेंज है कि अभी मैं जा रहा हूँ घाटकोपर और वहाँ पे जाएंगे लेंसकार्ट में। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं मेरे स्पेक्स भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अच्छे स्पेक्स मिले नहीं है तो उन्होंने बोला था 2 हफ्ते बाद कुछ नया स्टॉक आएगा। तो अभी देखते हैं कि उनके पास नया स्टॉक आया कि नहीं, क्योंकि जो भी उनके पास था वो मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। तो अभी जा रहे हैं RCT, वहाँ देखते हैं। ले मेरे चश्मे का जो हालत है वो बहुत बुरा हो चुका है, मतलब किसी भी पल टूट सकता है और मैं बिना चश्मों के अंधा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, रोड नहीं दिखेगा, सिग्नल नहीं दिखेगा, वो डाइवर्जन लिखा है वो भी नहीं दिखेगा। और ये है मरीन लाइंस का व्यू, सही लग रहा है यार बहुत। वो जो रूट की बात मैं कर रहा था वो ये साइड से आता है, तो जो वहाँ से व्यू मिलता है ना जब आप बाइक लेके आते हो तो वो बहुत सही है। और मेरे चश्मे का हालत देखो, ये देखो इसकी डंडी टेढ़ी हो चुकी है और ये पूरा हिल डुल रहा है, ये देख रहे हो। और वो किसी पल भी टूट सकता है क्योंकि उसका जो नट है वो भी मैंने टाइट करने की कोशिश की लेकिन वो पूरा स्लिप हो चुका है। ओके गाइस तो अभी हम पहुँच चुके हैं RCT और यहाँ पर सिर्फ हमें स्पेक्स लेना है तो वो मैं देख लेता हूँ। अभी मेरे पास बिल्कुल भी हालत नहीं और अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं, वो लोग रिकॉर्ड करने देंगे नहीं, तो वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। काफ़ी ट्रैफिक था और काफ़ी धूप थी तो बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो थोड़ा फ्रेश होता हूँ और स्पेक्स देखता हूँ और जो भी लूँगा वो आप अगले व्लॉग में देख ही लोगे। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, पीस।